दोस्तों आप में से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी नहीं देखी होगी। जी हाँ, आई नो, ये मूवी है ही इतनी बेहतरीन यार कि कोई छोड़े कैसे यार। सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने के बाद यही मूवी उनकी याद दिलाती है। इस मूवी के नाम लेते ही हम सभी के चहेते सुशांत सिंह राजपूत का आभास होने लगता है। खैर दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे MS धोनी मूवी की शूटिंग हुई थी और क्या है इसके बिहाइंड द सीन्स, वो भी कंप्लीट डिटेल के साथ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको मालूम चलेगा कि धोनी बनकर सुशांत सिंह राजपूत ने कैसे एकदम बढ़िया शानदार काम कर लिया। ठीक है, चलिए सबको समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी सुशांत सिंह राजपूत के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जब ये मूवी स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में क्राउड से भरा हुआ क्रिकेट स्टेडियम दिखाई देता है, लेकिन दोस्तों आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि असल में वहाँ पर कोई था ही नहीं, और VFX की सहायता से इस स्टेडियम को क्राउड से भर कर दिखाया गया। अब आप इस वाले सीन के बिहाइंड द सीन स्क्रीन पर बिल्कुल साफ देख सकते हैं, कमाल है ना। इसके अलावा दोस्तों आपको वो सीन तो याद ही होगा जब सुशांत सिंह राजपूत बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरते हैं, आप इस वाले सीन की शूटिंग करते हुए स्क्रीन पर देख सकते हैं, सही है ना। दोस्तों ये वाला बिहाइंड द सीन धोनी के इंटर स्कूल ट्रॉफी का है, जब धोनी की उम्र केवल 16 साल होती है। अब आप स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं कि कैसे धोनी सर को यंग दिखाने के लिए एक पतले लड़के को लिया गया था और उसके फेस पर ग्रीन कलर के ट्रैकिंग पॉइंट्स आप देख सकते हैं। इन ट्रैकिंग पॉइंट्स से ही सुशांत सर का फेस रिप्लेस कर दिया गया और जो रिप्लेस वाला फेस था वो रियल में सुशांत सिंह का ही था, और उसमें किसी भी CGI का यूज नहीं किया गया था। अब दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पहले इस फिल्म में महेंद्र सिंह धोनी के रोल को अक्षय कुमार करना चाहते थे और वो चाहते थे कि 17 साल के धोनी का रोल सुशांत सिंह राजपूत करे, लेकिन डायरेक्टर नीरज चोपड़ा की फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस सुशांत सिंह राजपूत थे, इसीलिए इस मूवी में उन्होंने धोनी का रोल निभाया। दोस्तों ये वाला बिहाइंड द सीन उस समय का है जब सुशांत सिंह राजपूत अपना एग्जाम देकर रेलवे स्टेशन जाते हैं। सुशांत को इस सीन को शूट करते हुए आप देख ही सकते हैं। अब दोस्तों आपको MS धोनी का वो सीन तो याद ही होगा ना जब दिशा पाटनी धोनी के लिए वैलेंटाइन डे गिफ्ट लेकर आती है। इस सीन में दिखाया गया है कि दिशा पाटनी सड़क पर कार चलाती हुई उनके लिए गिफ्ट लेकर आ रही है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था यार। गाड़ी को सड़क पर नहीं बल्कि ग्रीन स्क्रीन पर ही शूट कर लिया गया, बाद में तो फिर कंप्यूटर से सब कुछ सही कर दिया गया। और इस सीन को परफेक्ट लुक देने के लिए पहले से शूट किए हुए रोड के साथ में इसे रिप्लेस कर दिया गया। अब दोस्तों आपको फिल्म का वो सीन तो याद ही होगा ना जब 2005 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सेकेंड ODI मैच होता है। आपको बता दें कि इस वाले सीन को शूट करने और सिनेमैटिक लुक देने के लिए इसमें रियल मैच का ही यूज किया गया था। जी हाँ, लेकिन इस मूवी में मैच के दौरान महेंद्र सिंह धोनी को रिप्लेस करके हर जगह सुशांत सिंह राजपूत को दिखाया गया। अब दोस्तों इस तरह के सीन को शूट करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत को काफी मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि जैसे रियल मैचेस में धोनी खेल रहे थे ठीक उसी तरह सुशांत सिंह राजपूत को भी खेलना पड़ा था, तभी तो जाकर इस वाले सीन को परफेक्ट लुक मिल पाया जिसका बिहाइंड द सीन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब दोस्तों ये वाला सीन उस समय का है जब 2010 में खड़गपुर में धोनी का दोस्त उनसे मिलने के लिए आता है। आप इस वाले सीन का बिहाइंड द सीन स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, जबरदस्त है ना। अब दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि धोनी के फैन और सुशांत के फैन तो आप लोग होंगे ही, है ना। और दोस्तों साथ ही ये जरूर बताइए कि आपको MS धोनी फिल्म का कौन सा बिहाइंड द सीन सबसे अच्छा लगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसे ही और भी बिहाइंड द सीन्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।